हेलो स्टूडेंट्स, बी पार्ट वन होम साइंस के सभी स्टूडेंट्स का राजकीय महाविद्यालय लूणकर्ण सर का गृह विज्ञान विभाग स्वागत और अभिनंदन करता है। स्टूडेंट्स, आज हम कोरोना महामारी के कारण, जो कि एक वैश्विक रोग है, उसके कारण से हम सब ऑनलाइन क्लास के तहत आपस में जुड़े हैं। ये आपके लिए एक बड़े अच्छे स्वागत का या खुशी का विषय है कि आप सब गृह विज्ञान विषय आपने ऑप्ट किया है। गृह विज्ञान विषय एक बहुत ही विस्तृत विषय है, जिसमें सिर्फ हम कुछ विषयों को ना फोकस करके इसमें विज्ञान और समाज विज्ञान के विषयों का इंटीग्रेटेड स्वरूप की हम डीपली स्टडी करते हैं, और ये आपको कैरियर की बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ आपको एक अच्छा होम मेकर, एक अच्छा होम मैनेजर बनाने में भी गृह विज्ञान विषय हेल्पफुल है। आज हम बी पार्ट वन में चलने वाले पेपर्स को डिस्कस करेंगे। इसका क्या पेपर पैटर्न होता है, क्या आपका कोर्स कंटेंट है, इसी को फोकस करने के लिए हम आपके साथ में फर्स्ट बी पार्ट वन होम साइंस में दो थ्योरी पेपर हैं, पेपर वन एंड पेपर टू। फर्स्ट पेपर जो आपका है, फर्स्ट थ्योरी पेपर जो कि है फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस का, 3 आवर्स का इसका जो होता है, मेरे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में आप देखिए, इसका ड्यूरेशन जो है 3 आवर्स का होता है, 3 घंटे का होता है। मैक्सिमम मार्क्स होते इसके 75 होते हैं, और मिनिमम स्टूडेंट्स को पास होने के लिए 27 मार्क्स की ज़रूरत रहती है। पेपर टू थ्योरी में अगेन 75 मार्क्स का आपका है, 3 आवर्स का होता है, और इसमें भी 27 मार्क्स आपको मिनिमम पास होने के लिए चाहिए। इसका प्रैक्टिकल वन और प्रैक्टिकल टू, ये दोनों 25-25 मार्क्स के होते हैं। 50 मार्क्स का आपका दो इंडिविजुअल प्रैक्टिकल, पेपर वन और पेपर टू, और मिनिमम इसमें 9-9 मार्क्स आपको गेन करने होते हैं। इसके अलावा इसमें टोटल हमारे को 5 यूनिट्स हैं। फर्स्ट पेपर है जो आपका फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस का है, परिवार एवं सामुदायिक विज्ञान, इसमें 5 यूनिट हैं। फर्स्ट यूनिट आपकी है कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, पॉजिटिव हेल्थ, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल हेल्थ, फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ, कॉजेज ऑफ पुअर हेल्थ। सेकेंड जो फर्स्ट यूनिट का ही है, कम्युनिटी हेल्थ, कम्युनिटी न्यूट्रिशन, असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस, इसको हमें संक्षेप में पढ़ना है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, म्यूजिक, प्ले ऑन गुड हेल्थ, यानी योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, म्यूजिक और प्ले का जो है वो अच्छे स्वास्थ्य में क्या योगदान है। नेक्स्ट इम्यूनिटी और इम्यूनाइजेशन, प्रतिरक्षा और इम्यूनाइजेशन क्या होता है, प्रतिरक्षण क्या होता है, इसका परिभाषा, प्रकार, और पूरा आपको इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को आप सीखना है, कब कब कौन कौन से टीके बच्चे को लगते हैं और पूरा उसका शेड्यूल क्या होगा, इसको हमें डिस्कस करना है। नेक्स्ट हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओजिनोसिस, स्पर्मेटोजिनोसिस, फिर एक कॉमन एलिमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड देयर मैनेजमेंट, इसमें मॉर्निंग सिकनेस, मिक्ट्यूरेशन,
वीरेकस पेन, हार्ट बर्न, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स एक्सेट्रा। न्यूट्रिशनल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, फैमिली प्लानिंग इम्पॉर्टेंस, जनरल क्लासिफिकेशन, प्लानिंग मेथड एंड देयर एलिमेंट्री नॉलेज, ये आपका इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो रहेगा, नेक्स्ट यूनिट जो है आपकी, इसमें थर्ड यूनिट है सेल, कोशिका, ब्लड, ब्लड ग्रुप्स, आरएच फैक्टर। एंड थर्ड यूनिट में ये है डाइजेस्टिव सिस्टम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन एंड फंक्शन। एंड फोर्थ यूनिट है कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज कॉजेज मोड, है ना, और इसमें कौन कौन सी साइंस, सिम्टम्स, केयर, प्रिवेंशन, ये सारे के सारे जो हैं इसके तहत आते हैं, है ना। इसमें जो है फीवर, टाइफाइड, मलेरिया, स्वाइन फ्लू, ट्यूबरक्लोसिस, डेंगू, एचआईवी और एड्स। नेक्स्ट है फाइव यूनिट, इसमें है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द टर्म ब्लड, सॉरी टर्म फूड, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स, बैलेंस्ड डाइट, स्कोप ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, फंक्शंस ऑफ फूड, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल, बेसिक फूड ग्रुप, सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट फूड स्टफ, कंजर्वेशन, इन्हांसमेंट ऑफ न्यूट्रिटिव वैल्यू। ये आपका फर्स्ट पेपर है। एंड सेकेंड पेपर जो है आपका एक्सटेंशन एजुकेशन का है, ये आपका पूरा का पूरा एक्सटेंशन एजुकेशन कम्युनिकेशन, इसमें भी फाइव यूनिट्स हैं। फर्स्ट टाइम मीनिंग डेफिनेशन, फर्स्ट आपका है मीनिंग डेफिनेशन एंड नीड एंड इम्पॉर्टेंस, नी एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, क्वालिटीज ऑफ एक्सटेंशन वर्कर। सेकेंड यूनिट है एक्सटेंशन टीचिंग, रोल ऑफ एक्सटेंशन वर्कर इन एक्सटेंशन वर्क, स्टेप्स इन एक्सटेंशन टीचिंग, मोटिवेशन, काइंड ऑफ मोटिव्स, लर्निंग, मीनिंग, प्रिंसिपल्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग प्रोसेस, रोल ऑफ मोटिवेशन एंड लर्निंग इन एक्सटेंशन टीचिंग, एक्सटेंशन टीचिंग मेथड एंड एड्स में क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू यूज, इंडिविजुअल, ग्रुप, मास, सिलेक्शन, यूज, एडवांटेज एंड लिमिटेशंस ऑफ ईच टीचिंग मेथड, कम्युनिकेशन, मीनिंग डेफिनेशन, फॉर्म्स ऑफ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, डिफरेंट मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, लिगेंस मॉडल और प्रोफेसर आई पी तिवारी मॉडल, ये दो मॉडल्स को आपको डिस्कस करना है। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, वे टू ओवरकम, मास मीडिया कम्युनिकेशन, इसका हमें एलिमेंट्री नॉलेज आपको रखनी है। नेक्स्ट है प्रोग्राम प्लानिंग, मीनिंग, इम्पॉर्टेंस, नीड एंड बेनिफिट्स, द प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग, स्टेप्स इन्वॉल्व प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड इवेल्युएशन, नेशनल इंटरनेशनल एजेंसी वर्किंग फॉर द कम्युनिटी वेलफेयर, WHO, यूनिसेफ, केयर, ICDS, ANP, PSC, रेड क्रॉस। तो इस तरह से दो आपके थ्योरी पेपर हैं और रिस्पेक्टिवली दो ही आपका प्रैक्टिकल होता है। दोनों के दोनों प्रैक्टिकल 25-25 मार्क्स के होते हैं। जो है दोनों का फर्स्ट जो आपका प्रैक्टिकल होगा वो बेसिक फूड प्रिपरेशन का होगा, और सेकंड जो प्रैक्टिकल है वो आपका पूरा का पूरा एक्सटेंशन एजुकेशन पे होगा पूरा, और उसमें आपको टीचिंग एड्स और कम्युनिकेशन टीचिंग एड जो है वो आपको प्रिपेयर करने हैं, है ना। तो इस और प्रिपरेशन ऑफ फर्स्ट जो बेसिक फूड प्रिपरेशन है, इसमें बेसिक कुकरी पे आपका सारा का सारा फोकस है, और एग्ज़ाम में चारों, दो थ्योरी और दो प्रैक्टिकल जो है वो अलग अलग होते हैं, और इसी को फॉलो करना होता है। दोनों प्रैक्टिकल्स आपके अलग होंगे। एक और जो चीज़ है आपके, जैसे अभी सिलेबस में आपने ऊपर देखा है, इसमें पूरा का पूरा कैसे क्वेश्चन आएंगे उसका भी एक पैटर्न दिया हुआ है कि प्रश्न पत्र के तीन खंड होते हैं। जैसे फर्स्ट लिखा हुआ है सेक्शन ए, इसमें तीन पूरे पोर्शंस होंगे क्वेश्चन पेपर जो बनेगा। ए सेक्शन जो होता है उसमें जो है प्रत्येक यूनिट में से दो अंकों के दो प्रश्न आते हैं और 10 क्वेश्चंस होते हैं, और सभी जो होते हैं 10 जो प्रश्न होंगे, और प्रत्येक जो यूनिट है उसमें से दो, यानी और दोनों
एक एक मार्क्स के यानी 2 मार्क्स के होंगे, तो इस तरह से 10 क्वेश्चंस होंगे और स्टूडेंट्स को सभी को सॉल्व करना होता है। प्रत्येक उत्तर जो सीमा होती है वो 40 शब्दों की होती है। बी सेक्शन जो होता है इसमें पर यूनिट में से एक प्रश्न यानी एक यूनिट में से 2 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वो इंटरनल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। और इसमें जो क्वेश्चन होगा उसके 5 मार्क्स होंगे। ये भी सभी जो है क्वेश्चंस का आंसर इसमें भी देना कंपलसरी होता है। इसमें 200 वर्ड लिमिट होती है। थर्ड सेक्शन जो होता है वो पर यूनिट में से 5 क्वेश्चंस होते हैं, टोटल 5 होते हैं, यानी हर सेक्शन जो टोटल 5 क्वेश्चंस हमें पर हर यूनिट में से एक क्वेश्चन देना होता है। और जो स्टूडेंट्स होता है उसको 5 में से कोई 3 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने होते हैं, और एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है। वर्ड लिमिट जो होती है वो उसकी 450 वर्ड्स की होती है। तो ये वाला जो पैटर्न है वो दोनों फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों में होता है, और आपको इसको अच्छी तरह से करना है। आप पुराने जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको देखकर भी इसको अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस का जो पैटर्न है, जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, उसी के अकॉर्डिंगली आता है। उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए जाते हैं, और आपका पूरा पूरा जो है थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल पे आपका पूरा फोकस रहेगा, क्योंकि पूरे हमारे 5 होम साइंस के सब्जेक्ट हैं। पांचों में से जो है हमारा ये रहता है कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में 5 जो फील्ड्स हैं उनमें से कुछ कुछ कोर्स कंटेंट जो है वो इसमें आ जाए। और स्टूडेंट्स होम साइंस सब्जेक्ट को क्या उसके लिए उपयोगिता है, कैसे कैरिकुलम है, कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसको भी वो आराम से डिस्कस कर लें। तो इसी के साथ में नेक्स्ट मेरा वीडियो रहेगा एक्सटेंशन एजुकेशन कंसेप्ट ऑफ सॉरी एक्सटेंशन एजुकेशन नहीं, फर्स्ट मैं आपको स्टार्ट करूँगी फर्स्ट पेपर फैमिली एंड कम्युनिटी वेलफेयर में। फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, पॉजिटिव हेल्थ, और एक हेल्दी पर्सन में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए उसी को लेकर आज का मेरा ये वीडियो रहेगा। इसके लिए थैंक यू, और नेक्स्ट मेरा वीडियो आप ज़रूर देखेगा, क्योंकि उसमें हमारा कोर्स का फर्स्ट जो पार्ट है वो आज स्टार्ट हो रहा है। इसके लिए आप उसको देखिए, समझिए, और यदि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उसको हमारे साथ में शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।